दोस्तों थंबनेल और टाइटल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज का ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। दरअसल आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रोड टेक्नोलॉजीज के बारे में जो भारत में तो मौजूद नहीं है, पर आप देखोगे तो दांतों तले उंगलियां चबा जाओगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर एक पे आता है जियो वेब। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जियो वेब में जियो की स्पेलिंग GEO है, ना कि JIO। दोस्तों रोड का कंस्ट्रक्शन का कार्य हो या फिर रोड के गड्ढे भरने का कार्य, उन्हें पूरा करने के लिए तो हफ्ते लग जाते हैं, पर अगर जियो वेब जैसी टेक्नोलॉजी आ जाए तो मानो ये कार्य कुछ घंटों में ही पूरा हो जाएगा। दरअसल जियो वेब एक 3D जाली है जो कि पॉलीस्टर और पॉलीइथिलीन नामक पॉलीमर से बनाया गया है। यह पॉलीमर से बनाए गए ज्यादातर चीजें बहुत ही मजबूत होते हैं, उनमें से एक है यह जियो वेब। तो दोस्तों जियो वेब की मदद से आप अपने इच्छा अनुसार उसे गड्ढे के ऊपर या फिर सड़क के ऊपर रख सकते हैं, जिसके बाद उसे स्ट्रेच करके उसके फ्रेम में सीमेंट पत्थर जैसे अन्य चीजें डालकर उसे एक मजबूत प्लेन सड़क वह भी कम समय में तैयार कर सकते हैं। है ना दोस्तों, बड़े कमाल की टेक्नोलॉजी। अगले नंबर पे आता है स्मार्ट क्रॉसिंग। दोस्तों हमें बचपन से सिखाया गया है कि रास्ता वहीं से क्रॉस करना चाहिए जहां जेब्रा क्रॉसिंग मौजूद होता है, पर मानो स्मार्ट क्रॉसिंग के आने से आप कह सकते हो कि बचपन में हमें दिया गया यह ज्ञान अब हमारे काम का नहीं, क्योंकि स्मार्ट क्रॉसिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके मदद से आप जहां चाहे वहां से रास्ता क्रॉस कर सकते हो। रास्ते पर लगे सेंसर हर एक व्यक्ति के चलने की हरकत ट्रैक करते हैं, जिससे स्मार्ट क्रॉसिंग को मदद मिल जाता है अपना आगे का कार्य समाप्त करने के लिए। स्मार्ट क्रॉसिंग के आगे का कार्य यह होता है कि उसे सेंसर के मैसेज की मदद से एक्टिवेट होना पड़ता है, जिससे एक वर्चुअल जेब्रा क्रॉसिंग जिसमें लाइट जलता हुआ होता है वह तैयार हो जाता है, जिसके कारण वाहन रुक जाते हैं और व्यक्ति सड़क आराम से क्रॉस कर सकता है। अगले नंबर पे आता है रोड ड्रोन। दोस्तों खराब सड़क को रिपेयर करवाना होता है तो आप क्या करते हो? स्थानीय PWD केंद्र में पत्र लिखकर भेज देते हो। वह बात अलग है कि आपको उसका जवाब नहीं मिलता, पर अगर मैं आपसे कहूं कि जितना समय आपको पत्र लिखने में लगता है उतना ही समय ये रोड ड्रोन को रोड रिपेयर करने में लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये ड्रोन बिना किसी इंसानी मदद से डिफेक्टिव एरिया डिटेक्ट करके उस सड़क के भाग को रिपेयर कर देता है, यानी कि आपको बस आराम से खड़े होकर देखना होता है कि ये ड्रोन अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं। है ना दोस्तों, मजेदार बात। पर दोस्तों इसकी साइज की लिमिटेशन होने के कारण ये सड़क रिपेयरिंग के बड़े बड़े कार्य नहीं कर पाता, पर छोटे मोटे कार्य ये पूरे परफेक्शन के साथ खत्म करता है। अगले नंबर पे आता है हंक्लिंगर। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी भी बड़ी कमाल की है। दरअसल हंक्लिंगर एक मशीन का नाम है जो कि बड़े बड़े कंक्रीट ईंटे सड़क पर पूरे परफेक्शन के साथ रखने का कार्य करता है। यह मशीन को बस एक इनिशियलाइजेशन दे दिया जाता है जिसकी मदद से वह मशीन अपना काम शुरू कर देती है। एक बार शुरू होने के बाद आप अपना कार्य करते रहो और यह मशीन अपना कार्य करती रहेगी। यह मशीन कंक्रीट के स्ट्रक्चर को बहुत ही सही तरह से एक के बाद एक रख सकती है, जिसकी वजह से सड़क बहुत ही शानदार और मजबूत तैयार हो जाता है, वो भी कम समय में। अगले नंबर पे आता है पॉली लेवल। दोस्तों आपने कई ऐसे दो सड़क के भाग तो देखे होंगे जिसमें एक सड़क का भाग थोड़ा ऊंचा होता है और वही दूसरे सड़क का भाग थोड़ा नीचा होता है, जिसके वजह से सड़क प्लेन नहीं रह पाता। पर अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ऐसे खराब सड़क का भाग हम रिपेयर कर सकते हैं, तो आप कहोगे कि कौन अब इतना मेहनत करेगा। बस आपकी यही बोली को बंद कर सकता है यह पॉली लेवल। पॉली लेवल की मदद से आप दो असामान्य सड़क के भाग को एक लेवल पर कर सकते हो। पॉलीयुरेथेन से बनाया गया यह पॉली लेवल कंक्रीट को शिफ्ट करने की ताकत रखता है। आपको बस सड़क का भाग जो नीचे शिफ्ट हो गया होता है उस पर होल करना होता है और फिर उस होल में पॉली लेवल का स्प्रे मार देना होता है। स्प्रे मारने के बाद वह सड़क का भाग अपने आप ऊपर शिफ्ट होने लगता है, जिसकी मदद से आपकी दिक्कत खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।